बॉर्डर वर्क की पाइपलाइन है और काफ़ी समय से ये टूटी पड़ी है। इसको कई अधिकारी आके देख के गए भी हैं, पर ये कह के जाते हैं हो जाएगा, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए इसको तुरंत रिपेयर करा जाए, दीवार गिर जाएगी, भारी वाहन आते जाते हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए इसके लिए शीघ्र से कदम उठाया जाए। क्या मानते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है इसके अंदर? आपने शिकायत करी? टेलीफोन से क्या है, ये इनकी मम्मी जाके आई हैं, वहाँ इनकी मम्मी जाके आई हैं और वो क्या क्या आई हैं, फिर भी क्या कहते, परसों पल्ले दिन अधिकारी आए थे, देख के चले गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम बता दिया है? आपका नाम? मेरा नाम उमाशंकर है। चाहिए साहब की ये वाटरवर्क्स की लाइन भी यहाँ से टूटी हुई है, 2-3 बार इनके कर्मचारी भी आए हैं, वो भी ठीक करके गए हैं, कल परसों में भी ठीक करी है, फिर भी वो सही नहीं हुई है। ये लाइन, वो कर्मचारी ने बोला कि ये लाइन बहुत ख़राब हो चुकी है, गल चुकी है, और आईएन साहब के पास में हमने कह चुके हैं 2-3 बार, भाई ये लाइन बहुत ख़राब हो गई है, गल गई है या नहीं डलेगी, जब ये ठीक होगी। तो ये हादसे के अंदर ये मेन लाइन है और ये पुलिस लाइन का रास्ता है, इस पर भारी वाहन भी आते जाते हैं, गाड़ियां भी निकलती है, कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपका नाम? रामस्वरूप प्रजापति। जाने का मेन रास्ता है, यहाँ पे इतनी तेज़ पानी आ रहा है, ये पुलिया कभी भी नीचे गिर सकती है, गिर जाएगी तो फिर ये मेन रोड बंद हो जाएगा। हमने काफ़ी टाइम से 5-6 बार शिकायत कर दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये देखो, ये है रसीद, 22 तारीख को मैंने प्राप्ति रसीद है, 22 तारीख को करी, आज 28 तारीख है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्या मानते हैं पानी की वजह से सप्लाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है? अब क्या कर सकते हैं, 5-6 बार तो रिपोर्ट लिखा दी है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं? कितने टाइम से ये पानी दे रहा है? इसको करीबन 20-25 दिन हो गए, ज़्यादा दिन नहीं हो गए, क्योंकि 22 तारीख को ये रिपोर्ट लिखाई हुई है। ये देखो प्राप्ति की रसीद है। उनकी पुलिया में से पानी निकल रहा है? ये है पुलिस लाइन में जाने का मेन रास्ता है, पुलिस लाइन पहला चौराहा है वो तो बिल्कुल है ही। आपका नाम? मुकेश सिंह शेखावत। फिर कर दी ना बात, वही उनको बेटो किया।